मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर दीपावली के पहले खाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एक ऐसी डेयरी का पर्दाफाश किया है जो फर्जी नाम से घी पैक ग्राहकों को उच्च दामों में बेचा जा रहा था। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने करीब 1000 घी को सील कर सैंपल जांच करने के लिए भेज दिया है। दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटखोर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और कुछ पैसे के लालच में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां श्री शिव दूध डेयरी पर फर्जी नाम के लेबल लगाकर घी को पैक किया जा रहा था। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में घी जब्त कर लिया है। फिलहाल मिलावटी और नकली घी की आशंका होने पर खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिया है। वहीं खाद्य विभाग की शिकायत पर भवरकुआ पुलिस ने डेयरी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ पर आईटी पार्क के रोड पर एक दूध डेयरी है, शिव डेयरी, तो उसमें सूचना मिली थी आपका फूड डिपार्टमेंट की टीम को और पुलिस दल को कि इसमें कुछ बाहर से पैक हुए घी के डिब्बे जो मैन्युफैक्चर होते हैं किसी पार्श्वनाथ कंपनी से, उसको लाकर उसके ऊपर शिव डेयरी वाला अपने लेबल चिपका रहा है और उस पर लेबल पर ये लिखा है कि ये शिव डेयरी पर बना हुआ शुद्ध घी है। जब वहाँ जाकर टीम ने तलाशी ली तो करीब 100-200 के आसपास अलग अलग डिज़ाइन के रेफर वहाँ पर मिले जो लेबल उस पर चिपकाए जा रहे थे, और जब वो चिपके हुए लेबल को निकाला तो उसके अंदर पार्श्वनाथ घी के नाम से ऑलरेडी जो किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ है वो पाया गया। जब उससे पूछताछ की तो पाया कि वो अपने डेयरी के नाम के फर्जी लेबल उसके ऊपर लगाकर घी को देशी बताकर बेच रहा था। तो आबकारी वहाँ पर जो है फूड डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर करीब 1000 किलो घी के आसपास सील किया है और रेफर वहाँ से करीब 200 रेफर बरामद हो गए। डेयरी संचालक जिराती के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश भर में मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी आरोपी कुछ पैसे के लालच में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।